सारे साथी अध्यक्ष के पीछे लाइन में आ गए, जो भी साथी अभी शामिल हुए उन सभी का एम्पावर एपीएस के इस महायज्ञ में स्वागत है। और साथी अनुशासित रहते हुए आगे बढ़ते रहे, जॉगिंग करते रहे और अनुशासन में रहे, अध्यक्ष जी के पीछे लाइन में रहे, लंबी लाइन लगा ले, कैंप बनाते रहे, जिससे लगे कि आप ओपीएस के लिए अनुशासित है, प्रतिबद्ध है, गतिबद्ध है। रन फोर, रन फोर, रन फोर। आप देखिए हमारी लाइन बहुत लंबी अब हो गई है, जो है आप लोग अनुशासित रहिए और धीरे धीरे अध्यक्ष जी से आगे निकलने की कोशिश न करिए, आप लोग पीछे रहिए, वार्म अप होते रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रन फॉर, रन फॉर, रन फॉर, रन फॉर। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। निजी करार बंद करो, निजी करार बंद करो। एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, ओपीएस कम बैक, ओपीएस कम बैक, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो। एक बार सभी साथी अपना जिनके हाथों में तिरंगा है ऊंचा कर ले, ऊंचा कर ले, सीधा कर ले, सीधा कर ले। भाई साहब तिरंगा सीधा कर लीजिए, सीधा करिए, सीधा करिए, लहराइए तिरंगा सीधा करके लहराइए। ये हमारी आन बान शान है, ये तिरंगा हमारी पहचान है। साथियों हम इसको लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। रन फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और तब तक दौड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी और एनपीएस को हम इस देश से विदा नहीं कर देंगे, निजीकरण को भारत से भगा नहीं देंगे, तब तक दौड़ते रहेंगे। अनुशासित रहेंगे तभी हमारी मांग सुनी जाएगी, पेंशन बहाल होगी, निजीकरण इस देश से भागेगा। आवाज दो, विजय कुमार बोलो जिंदाबाद, खूबसूरत नजारा है। हम साथी से चाहेंगे गाड़ी आगे बढ़ाते रहे और देखिए क्या क्या नजारा दिख रहा है। पूरा लखनऊ जो है इस सड़क पूरा हुजूम जो है ओपीएस में हो चुका है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, लोग थोड़ा बहुत चहलकदमी करते हैं, वार्म अप करते हैं लेकिन थक जाते हैं, लेकिन देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, आपका सहारा और आपकी ताकत और उनकी उम्मीद लगातार हुंकार भर रही है और पुरानी पेंशन बहाली की ओर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं।
हम साथी से चाहेंगे कि एक बार गाड़ी यही रोक दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहेंगे कि पूरी जनता जो उनको सुनने को तैयार है, पेंशन भीर कर्मचारी भी निवेदन कर रहा हूँ, अनुपाचित है और अनुशासन का ध्यान रखिए, सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। हम अनुशासित सिपाही है, दिल्ली में कई लाख की रैली करके भी अनुशासन कायम रखे हैं, तो मेरा निवेदन है आप लोग गाइडलाइन रहिए, न पब्लिक को न प्रशासन को, इस बात का ध्यान रखना है। और अभी जो कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा तो आप लोग बिना किसी हिचक के गाड़ियां जो बंद करेंगे उसका पार्किंग में जमा किए होंगे तो उसका पैसा देंगे। आप अंबेडकर पार्क घूमना चाहेंगे उसका टिकट लेकर घूमिएगा, लेकिन कोई अनुशासन तोड़ना नहीं है। और आप जितने लोग आए हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अनुशासन बनाए रखेंगे। आप लोग जो कार्यक्रम खत्म होगा अंबेडकर पार्क सामने है, टिकट लेकर के आज घूम के जाइएगा, आपके लिए अच्छा मौका है। लुधिया बगल में है, अंबेडकर बगल में है, दोनों को आप घूमिएगा। लखनऊ आए हैं तो घूम के भी जाइएगा, मेरा निवेदन है। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सड़क पर कहीं भी पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यह आप ध्यान रखिएगा। समर्थन में हैं आप, आप पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। रन फॉर, जोर से बोलिए, रन फॉर। गाड़ियां जहां खड़ी हैं आप वहां पहुंचेंगे, गाड़ियों घूमेंगे, उसके बाद आप अपने जो टोपी है, झंडे हैं, उनको अच्छे से सम्मान से रखेंगे, उसके बाद फिर आप पार्कों का भ्रमण करेंगे। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो अनुशासन में रहते हुए हैं। आप कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद टोपी झंडे आप दोस्ती रख करके पार्कों को भ्रमण करिएगा, लेकिन अनुशासन का दूर जाना चाहिए। तिरंगे का भारत माता की, भारत माता की। और आगे हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करके ब्लॉक लेवल तक और लोगों को जोड़ेंगे और आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। अपने अपने दायित्व को निभाना है, तो आज जो कार्यक्रम था वो लगभग हम लोग अपने मुकाम पर हैं और आगे हम लोग शांतिपूर्ण का परिचय देंगे। दोस्तों सवाल वही रहेगा कि ओल्ड पेंशन पूर्ण बहाल करो। अब ओल्ड पेंशन पूर्ण बहाल के लिए कर्मचारियों की रणनीति, कर्मचारी संगठनों का क्या मेन भूमिका रहेगी संघर्ष में कि ओल्ड पेंशन कैसे पा सके, तो मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन का सीधा टक्कर है। 1-2 मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर एक कैंडिडेट उतारेगी तो गठबंधन भी, जो इंडिया गठबंधन है, वो भी एक सीट पर एक ही कैंडिडेट उतारेगा। अब सवाल है कि जिसकी तरफ कर्मचारी झुकेंगे वही लोकसभा में अपनी पार्टी को बहुमत से जिताएंगे। तो केवल कर्मचारी एक ही सवाल कर रहे हैं और एक ही मांग मान रहे हैं कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए और उसकी ही चोट पर कर्मचारी वोट भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों का संघर्ष हार जाएगा या कर्मचारी और मेहनत करेंगे जिससे कि संघर्ष और ही बलशाली बन सकता है, जिससे कि कोई भी पार्टी कर्मचारी के संगठनों के पास में तिल मिलाती हुई आएगी। तो अभी ये ही सवाल सब कर्मचारियों के दिल दिमाग में गूंज रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर बन गया तो इसका मतलब है कर्मचारियों के पक्ष में और हिस्सा आ गया। और कर्मचारी इसलिए भी खुश है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े जो 28 पार्टियों के नेता है वो अब कांग्रेस के साथ है, मतलब इंडिया गठबंधन है। तो भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और नरेंद्र मोदी जी खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने का कोई सपना ही नहीं था, परंतु फिर भी नरेंद्र मोदी जी के आगे इंडिया गठबंधन बना। और कर्मचारियों का भाग्य की यही बात कहूंगा कि ओल्ड पेंशन बहाल करने का मुद्दा और तेजी से वायरल होने लग गया। कहने का मतलब है कि कर्मचारियों को और आस जगने लग गई कि ओल्ड पेंशन बहाल करने का यही सबसे आसान तरीका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन मिल गई तो मिल गए, नहीं तो 2024 कभी आने वाला नहीं है। और इतिहास में कह दूं कि इतिहास गवाह रहेगा कि कर्मचारियों ने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार के सामने सिर झुकाया नहीं, तो इंडिया गठबंधन ही कर्मचारियों का अंतिम यही बाण होगा जिससे कि कर्मचारी आसानी से ओल्ड पेंशन पा सके।
तो आपको क्या लगता है, सोचकर बताइए, कमेंट करिए कि ओल्ड पेंशन पाने का तरीका, जिसमें दो क्वेश्चन में आपसे करूंगा, एक तो कि कर्मचारी कितने मजदूरों को, कितने संगठनों को, कितने किसानों को, कितने स्टूडेंटों को समझा पाए कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में अंतर क्या है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन बनने से ओल्ड पेंशन बहाल करने का रास्ता और ज्यादा खुल गया है। तो आपसे मैं सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी कर्मचारियों से, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, आप अपनी मेहनत करना ना छोड़े, अपनी मेहनत जारी रखें, संगठनों का साथ दें। संघर्ष अगर करना है ईमानदारी से तो कामयाबी संघर्ष के साथ ही आती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।